साल 2020 में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी जिंदगी को खो दिया और ऐसे में हमने बॉलीवुड के कई स्टार्स को खो दिया। उन्हीं में से एक थी इरफान खान, जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा रही कि उनके जाते ही पूरा देश गमजाद हो गया। अब साल 2021 शुरू हो चुका है, तो ऐसे में इरफान खान के बेटे बाबिल ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस भूमि पांडेकर ने भी साल के पहले ही दिन बधाई दी कि शूटिंग शुरू कर दी है। वो अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जी हां, आपको बता दें कि साल 2020 के खत्म होने से काफी सारी परेशानियां लोगों की खत्म हुई है, लेकिन साल 2021 की शुरुआत में जैसे उन्हें नई खुशियां मिल रही है, तो वहीं कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सदस्य को 2020 में हमेशा के लिए छोड़ दिया, जहां पर उनके वो परिवार के सदस्य हमेशा के लिए 2020 में उनसे दूर हो गए। इरफान खान जो कि काफी बेमिसाल एक्टर थे और ऐसे में बेटे बाबिल को अपने पिता इरफान की काफी ज्यादा याद आई और इस बीच उन्होंने अपने पिता इरफान खान के लिए अपने इंस्टा अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और अपने पिता की याद में उस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि मुझे आज भी पिता की याद आती है, भले ही ये साल 2021 हो लेकिन 2020 का साल हम भूल नहीं पाएंगे जिसमें हमने अपने पिता इरफान खान को छोड़ दिया था या हमारे पिता इरफान खान हमें छोड़कर चले गए। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।